नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए आई अच्छी खबर। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के हर जिले में प्रवासियों के लिए छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इन्हें जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत खोला जाएगा, जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इन सभी 38 जिलों में अभी तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित किए जा चुके हैं। बेगूसराय और कैमूर में 4 जगह काम शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग की तरफ से किया जा चुका है। इन सभी छोटे उद्योग में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। हर समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोविड-19 के माहौल में बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने रोजगार की कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। बिहार में पारा चढ़ने से लोग हुए परेशान। बिहार में जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, वहीं मौसम विभाग के माने तो आने वाले 2 दिनों में पारा चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश के कोई आसार अभी बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश भी नहीं देखने को मिली, और यही कारण है कि गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। सूबे के अधिकतम शहरों का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। पारा चढ़ने से लोग दिन में तेज गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में मौसम की स्थिति में बदलाव आने के आसार है। वहीं दूसरी तरफ बारिश नहीं होने से पिछले कुछ दिन सामान्य से 50% ज्यादा तक पारा पहुंच गया है। यह आंकड़ा अब सामान्य से 20% अधिक पर आ गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंशिक बूंदाबांदी आने वाले दिनों में होने के आसार जताए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गौरव आर्या पहुंचे ईडी के ऑफिस। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। वहीं ड्रग मामले को लेकर गोवा के होटल के मालिक गौरव आर्या ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की बहनों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं लगातार सीबीआई की जांच में आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ जारी है। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के कथित दोस्तों से भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि इन सबके बीच रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस के वाहन की सुरक्षा के गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया है, जहां पर उनसे जांच पड़ताल जारी है। हालांकि अभी तक सीबीआई के हाथ में कोई ऐसा मुख्य सबूत नहीं लगा है जिससे यह साबित हो सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर अपनी जान नहीं ली थी, मगर फिर भी हर दिन कई बातों का खुलासा हो रहा है। वहीं इस बात का शक जरूर उठ रहा है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। गंडक नदी पर जल्द ही बनेगा 8वां बड़ा पुल। गंडक नदी में एक नए पुल के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के करीब 300 किलोमीटर की दूरी में बहने वाले गंडक नदी पर 8वें बड़े पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना रिंग रोड के तहत इस नए पुल का अलाइनमेंट वैशाली के आस्तेपुर और सारण के नया गांव के बीच किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुल वर्तमान समय में सोनपुर सड़क पुल से उत्तर की तरफ करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। वैशाली के आस्तेपुर और सारण के नया गांव को जोड़ने वाले इस पुल के बनने से दोनों जिलों की आबादी को फायदा होगा। इस पुल का जुड़ाव हाजीपुर, ताजपुर, शीतलपुर, सिवान, हाजीपुर अरेराज और हाजीपुर मुसली घरारी से भी होगा। इसके साथ ही ऐसे में यह पुल व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उद्यमियों को अपने उत्पादन पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 6 सितंबर को पहली वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हुई शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 6 सितंबर से जदयू की शुरू होने वाली पहली वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री के रैली jadulive.com पर आने वाली है, जिसमें लाखों लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रैली पहले 6 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन बाढ़ को और कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अभी जदयू ने अपने संगठन के सभी प्रकोष्ठ विधायक और मंत्रियों को इस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं इस रैली को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों के लिए जितना काम किया है शायद ही किसी अन्य सीएम ने किया होगा, इसलिए सभी दलित मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर बड़ी संख्या में लोगों को इस रैली से जोड़े जाने की तैयारी हो रही है। STET के लिए 12 जिलों में खोले जाएंगे केंद्र। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित करवाई जानी है। इसी बीच 12, 13, 19 और 20 सितंबर को छोड़कर इस परीक्षा का आयोजन हर दिन करवाया जाएगा। राज्य के 12 जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2.47 लाख आवेदन आए हैं। इसके आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यह परीक्षा हर दिन 3 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी और हर पारी में 2.5 घंटे की होगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से, दूसरी पाली सुबह 12 बजे से और तीसरी पाली शाम 4 बजे से आयोजित करवाई जाएगी। हर पाली के 1 घंटा पहले ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करवाया जाएगा। केंद्र का मुख्य द्वार खोल दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने के 1/2 घंटा पहले बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के आधार पर केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। पटना गया डोभी 4 लेन बनाने का रास्ता हुआ साफ। पटना गया डोभी 4 लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया। 125 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के निर्माण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 6 साल पहले ही ले लिया था, लेकिन जिन एजेंसियों को सड़क निर्माण का काम सौंपा गया था वो बीच में ही काम छोड़कर निकल गए थे, जिसके बाद लगातार 5 साल तक हाईवे का काम बाधित रहा। वहीं अब एक बार फिर से इनके निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने जानकारी दी है और बताया है कि पथ निर्माण के लिए 2 एजेंसियों का चयन कर दिया गया है, जिसके बाद अब सड़क के
निर्माण में बाधा नहीं आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, चयनित एजेंसी 650 करोड़ में 2 साल में हाईवे के पटना जिले से पड़ने वाले सरिस्ताबाद से पुनपुन होते हुए मसौढ़ी तक 4 लेन सड़क बनाएगी। बिहार में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को अब सरकारी मदद की है आस। बिहार में बाढ़ से परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं इसकी वजह से 86 लाख से ज्यादा लोग परेशान है। वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ की वजह से 33% फसलों को नुकसान पहुंचा है और नुकसान पहुंचाने वाले प्रखंडों की संख्या भले ही 234 प्रखंड हो, लेकिन 105 प्रखंड ऐसे हैं जहां किसान को अनाज के लिए अब अगली फसल का ही इंतजार करना होगा। उनकी पूरी फसल बाढ़ में डूब गई है। ऐसे किसानों की सरकारी सहायता पर नजर टिक गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से सहायता मुहैया करवाएगी। इतना ही नहीं, आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां जितनी खेती हुई थी उसका 70-90% तक फसल चौपट हो चुका है। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता बने कॉन्ट्रोवर्सी किंग। गुरुग्राम से दरभंगा तक साइकिल चला करके पहुंची ज्योति ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, साथ ही सफलता की नई ऊंचाई को भी छूने लगी थी। मगर साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान लगातार कॉन्ट्रोवर्सी की दुनिया में फंसते नजर आ रहे हैं। ज्योति को लेकर अब तक सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया मीडिया में सुनने में आती थी, वहीं अब उनके पिता लगातार विवादों में नजर आ रहे हैं। ज्योति को लेकर बनने वाली फिल्म के मुद्दे पर मोहन पासवान ने अब दलित कार्ड खेलते हुए एक निर्माता निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ज्योति के पिता मोहन पासवान ने कहा है कि निर्देशक साइन कृष्णा ने उनके साथ ही संजीव से मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनका कहना है कि 26 जून को उनसे मिलने आए थे और उन्हें गुमराह करते हुए अपने साथ अग्रीमेंट पर साइन करवा कर ले गए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 36 मिनट के ऑडियो में हुए चौंकाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद लगातार कई बातों का खुलासा हो रहा है। वहीं बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 36 मिनट का ऑडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा था। इस ऑडियो में कई नई बातें सामने आई हैं। इस ऑडियो क्लिप में कथित रूप से सुशांत अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार भी साथ बैठे हुए हैं, सुशांत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें सुशांत मुंबई से निकलने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें उनके भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। पूरा ऑडियो क्लिप 36 मिनट का है। ऑडियो में हुई बातचीत इस तरफ इशारा करती है कि लोगों के कारण वो काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ लोगों की नजर उनके पैसे पर है। और इतना ही नहीं, रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसे का FD करवाना चाहती थी और उसको FD के रूप में जमा करवाना चाहती थी, लेकिन रिया यह बोलते हुए नजर आ रही है कि सुशांत के कार्ड 10-15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पटना के महावीर मंदिर से अयोध्या भेजा गया गाय का घी। अयोध्या के रामलला में मंदिर में पटना के महावीर मंदिर द्वारा भेजा गया गाय का घी अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर निर्माण के दौरान हाल ही में अखंड दीप प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें अभी साधारण घी डाला जा रहा था, मगर महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और आचार्य सत्येंद्र दास को सुझाव दिया कि अखंड दीप में गाय के शुद्ध घी का उपयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुरोध को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने स्वीकार कर लिया और अब अनंत चतुर्दशी यानी कि 1 सितंबर से नंदिनी शुद्ध घी से ही राम मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित किया जाएगा। सुरेश रैना के फैसले से नाराज दिखे CSK के मालिक। IPL के आयोजन से पहले ही सुरेश रैना की तरफ से पूरे मैच से अपना नाम वापस लेने पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत CSK के मालिक एन श्रीनिवासन का नाम शामिल है। उन्होंने सुरेश रैना के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि रैना होटल के कमरे को लेकर नाराज होकर भारत लौट आए हैं, सफलता उनके सिर पर चढ़ गई है। रैना हमेशा से इस टीम का हिस्सा रहे और जब टीम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया था तब वो गुजरात लायंस की तरफ से बतौर कप्तान खेल रहे थे। सुरेश ने गलती की है और उन्हें जल्द ही इसका एहसास होगा। BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने साफ तौर पर कहा है कि अभी यह शुरू नहीं हुआ है और जल्द ही मालूम चल जाएगा कि अगर वे नहीं लौटे तो उन्हें इस सीजन के लिए 11 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटना चाहेंगे। क्रिकेटर्स खुद को कुछ और समझने लगे हैं। कभी कभी कामयाबी आपके सिर पर चढ़ जाती है। शरद यादव की जदयू में हो सकती है घर वापसी। शरद यादव की जदयू में जल्द ही वापसी हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में राजद की तरफ से उतरने वाले शरद यादव अब जल्द ही जदयू का हाथ थाम सकते हैं। फिलहाल शरद यादव की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है, मगर राजनीतिक गलियारे से आ रही खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव से बातचीत की है। इसके साथ ही शरद यादव के जदयू में वापसी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं उनकी वापसी को लेकर पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। शरद यादव के जदयू में शामिल होने की खबर पर तंज कसते हुए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जदयू का हाल हो गया है बेहाल, उनके पास चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये लोग दूसरे दल की तरफ झांक रहे हैं। जिस तरह से जदयू ने शरद यादव को बेइज्जत करके निकाला था उसे ध्यान में रखकर शरद यादव कहीं नहीं जाएंगे। लालू से टिकट की मांग करने जा रहे सहरसा के युवा नेता की गई जान, यह वाक्या बीते दिन दर्ज किया गया है। शनिवार की रात पटना से रांची के लिए राजद नेता विजेंद्र यादव रवाना हुए थे। उस वक्त सहरसा के जिला उपाध्यक्ष छत्री यादव उनके साथ राजद कार्यालय के बाहर चाय पी रहे थे। छत्री यादव ने
मीडिया हाउस को बताया कि विजेंद्र भाई काफी खुश थे और वे अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लालू यादव से मिलने जा रहे थे। आपको बता दें, विजेंद्र यादव जिस नई मारुति कार को ड्राइव करके रांची के लिए निकले थे उसे उन्होंने एक सप्ताह पहले ही खरीदा था। हालांकि जैसे ही उनके जान गंवाने की खबर उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पत्नी वीना देवी ने कहा कि जिंदगी का आखिरी सपना बिखर गया। आपको बता दें, विजेंद्र यादव जिले के इतिहास में पहले युवा थे जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में पहुंचते ही लोगों ने 70 कटैया प्रखंड के विशनपुर पंचायत का मुखिया नॉमिनेट कर दिया था। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 36 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में कुल मिलाकर 78,512 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 971 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद पूरे देश में प्रभावितों की संख्या 36,21,246 पर पहुंच गई है, जिसमें से 7,81,975 मामले सक्रिय है। वहीं 27,74,802 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं 971 मरीजों के साथ जान गंवाने वालों की संख्या अब 64,469 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में पिछले दिनों कोविड-19 के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 19 दिनों की रिकॉर्ड को देखें तो यह मामले सामने आए हैं, जिसने सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि दूसरे देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, मगर देश में लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार IPL से पहले सुरेश रैना का टीम छोड़ने का फैसला कितना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।